तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फ्रूट प्लांट के बारे में है जिसके ऊपर बहुत सी क्वारी आ रही थी और आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था कि भाई कोई वीडियो आप बनाइए कि किस तरीके से हम अपने टेरेस गार्डन में फ्रूट के प्लांट ग्रो कर सकते हैं पॉट में। तो आज एक बहुत ही कॉमन प्लांट लेकिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद और आई होप कि आप ये वीडियो देखने के बाद अपने घर में ज़रूर लगाना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं अंजीर के पौधे को और पा सकते हैं 6 महीने में उसमें ढेर सारे फल। तो बिना लेट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कटिंग है अंजीर की जो कि मैं कल लेकर आया था और आज है 5 फरवरी। विंटर सीजन खत्म हो रहा है, समर सीजन स्टार्ट हो रहा है और जो मेरे एरिया का वेदर टेम्परेचर है अभी भी वो 10 से 20 डिग्री के बीच में वैरी कर रहा है। तो आप इस टाइम पे अंजीर की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और दूसरा इसको आप मानसून सीजन में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको सीड से ग्रो करते हैं तो उसके पौधे ग्रो हो जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं इसमें फल आने में और ये बेहद आसान तरीके से ग्रो भी हो जाता है, बहुत ज्यादा केयर भी ये पौधे नहीं मांगते। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अंजीर के पौधे को उसकी कलम से ग्रो करें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप किस तरीके की कलम का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपको ऐसे पेड़ से इस अंजीर की कटिंग को लेकर आना है जिसमें फल आ रहे हो। आप किसी ऐसे प्लांट से कलम लेकर ना आए जिसमें कि अभी तक फल ही नहीं आ रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे पेड़ से इसकी कलम को लेकर आते हैं तो अगेन ये भी काफी टाइम ले लेगा फल देने में। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमेशा याद रखिए, चाहे आप ये अंजीर की कटिंग लगा रहे हो, चाहे आप नींबू की कटिंग लगा रहे हो, चाहे आप संतरे की कटिंग लगा रहे हो, अनार की कटिंग लगा रहे हो, तो ऐसे पेड़ की ब्रांच लेनी है जिसमें कि फल आते हों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो थिकनेस आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस एक पेंसिल के साइज की इतनी होनी चाहिए और इसकी जो लेंथ हो, जो भी आप इसकी कलम तैयार कर रहे हैं वो कलम 5 से 7 इंच की हो। बहुत लंबी अगर आप कटिंग ले लेते हैं तो अगेन उसके लगने के चांस कम हो जाते हैं। सेमी हार्डवुड कटिंग हो, बिल्कुल ग्रीन या इस तरीके से पतली कटिंग ना हो क्योंकि ये भी नहीं लगती हैं। सेमी हार्डवुड कटिंग हो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स कि जब भी आप किसी भी कटिंग को ग्रो करें तो उससे पहले उसको अगले 12 से 18 घंटे के लिए पानी में डाल दें। उससे ये होता है कि ये अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हाइड्रेट हो जाती हैं तो ये जल्दी ड्राई नहीं होती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें रूट आना स्टार्ट हो जाता है और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ आपको छोटी छोटी सी रूट्स दिख रही होंगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप मॉनसून सीजन में इसको ग्रो करते हैं तो बेहद आसानी से ग्रो हो जाता है, क्योंकि अगर लगातार 4-6 दिन तक जब मॉनसून सीजन में बारिश होती है तो जो भी ये पुरानी ब्रांचेस होती हैं अंजीर के पेड़ की उनमें इस तरीके से रूट आ जाती हैं। तो बस आपको इसको सिंपल कट करना है और लाकर अपने घर के एक पॉट में लगा देना है और आपका पौधा बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप किसी भी प्लांट की कटिंग को ग्रो करते हैं तो पहली चीज़ उसको 45 के एंगल पे कट करना होता है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो ये नोट पोर्शन होते हैं जहाँ से नई ब्रांचेस निकलती हैं इसके नीचे से ही हमको कटिंग को कट करना होता है, क्योंकि यहाँ से ही रूट निकलने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारी एक कटिंग रेडी हो गई। अब अगर हम चाहें तो इसमें से एक कटिंग और निकाल सकते हैं, तो हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये दो कटिंग रेडी हो गई हैं और इन दोनों कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने लिया है एक ये 6 इंच का प्लास्टिक का पॉट जिसके बॉटम में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से मैंने ड्रेनेज होल कर दिए हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी सीड को या किसी भी कटिंग को ऐसे पॉट में ग्रो करते हैं जिसमें बॉटम में होल नहीं है और उसके अंदर पानी रुक रहा है तो आपकी वो कटिंग नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम इनको डिप कर देते हैं रूटिंग हार्मोन में। और अब हम अगर सॉइल की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसमें बेसिकली 3 चीज़ें ऐड करी हैं। इसमें मैंने लिया 50% कोकोपीट, जिसमें ऐड किया 30% अपने गार्डन की मिट्टी और 20% वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास सैंड, जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, अगर वो है तो वो और अच्छी बात है। आपको लेना है 50% अपने गार्डन की मिट्टी और उसमें ऐड कर देना है 50% सैंड। तो हम अब इस मिट्टी को इस पॉट में भर लेते हैं और अब हम सॉइल को अच्छे से दबा देंगे ताकि अंदर की एयर पॉकेट ख़त्म हो जाए। और अब आप किसी भी पेन या फिर स्टिक की हेल्प से इसमें होल कर लें और अब हम इसमें ही अपनी इन कटिंग्स को लगा देंगे। और आप हमेशा याद रखिए कि ये स्टैंडर्ड रूल है कि आपको जितने भी प्लांट चाहिए, जितने की रिक्वायरमेंट, आप उसकी एटलीस्ट 3 टाइम्स कटिंग को ग्रो करें। हुई कटिंग में हमेशा आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मैं इसीलिए दो कटिंग ग्रो कर रहा हूँ। आप चाहें तो अलग अलग पॉट में अलग अलग कलम भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको डेमो देना है कि किस तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन में अंजीर के पौधे को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अब हम चारों तरफ से सॉइल को अच्छे से प्रेस कर देंगे।
अपनी कटिंग के चारों तरफ। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो अब इस तरीके से दोस्तों हमारा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट, और अब हम लगा देंगे ये टैग। तो ये दोस्तों हमने ये तीन ले लिए हैं स्टिक, और ये तीन स्टिक हम अपने स्पॉट के तीनों साइड में लगा देंगे। और अब हम लेंगे एक ट्रांसपेरेंट पॉली बैग, और उससे हम अपनी इस कटिंग को कवर कर देंगे। और अब हमको अपने स्पॉट को पानी देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम इसको पॉली बैग से कवर कर देंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इसकी सॉइल ऑलरेडी काफ़ी नम रहेगी, तो हमको पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इस तरीके से दोस्तों हमारा ये प्रोसेस हो गया है कंप्लीट, और अभी हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे, रखेंगे पार्शली शेडेड एरिया में, जहां मॉर्निंग और इवनिंग 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। तो चलिए हम मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों यह है अपडेट 20 दिन के बाद का। पिछले 20 दिनों में मैंने इस पॉलीबैग को बिल्कुल भी ओपन नहीं किया है, इस पॉट में बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मॉइस्चर इसके अंदर क्रिएट हुआ है, और ये सब धीरे धीरे करके सॉइल में ही जाता है पानी। तो इस वजह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप इस तरीके से किसी भी कटिंग को ग्रो करते हैं जिसको कि आप एयर टाइट कवर कर देते हैं पॉलीबैग से, तो उसमें आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अभी हम इसको ओपन करते हैं, और ये देख सकते हैं दोस्तों कि कितना ब्यूटीफुली ये हमारा अंजीर का प्लांट अंदर ग्रो हो गया है, और इसमें ये कहीं से पालक के सीड आ गए हैं, तो ये भी दो प्लांट ग्रो हो गए थे। और अभी आप देख सकते हैं कि इवन रूट ये बाहर भी आ गई हैं, और ये देखिए पिछले 20 दिनों में मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद भी सॉइल प्रॉपर गीली बनी हुई है, लीफ भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही हैं, एक दो थोड़ी सी ये ख़राब होने लगी हैं, तो हम इनको कट कर देंगे। तो अब चलिए ज़रा हम देखते हैं कि इसका रूट डेवलपमेंट क्या हुआ है, ज़रा हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इसमें ये रूट डेवलप हो गई है। यहाँ पर मेरा पर्पस सिर्फ आपको डेमो देना था, इसलिए मैंने इसको 15 दिन के बाद ही ओपन कर दिया, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी लगते हुए कलम भी सूख सकती है। देखिए यहाँ पर हमने रूटिंग हार्मोन लगाया था और कट लगाया था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी रूट आ गई हैं। अभी हम इस एक पॉट में सिर्फ अपनी एक ही कलम को लगाएंगे। तो यह है अपडेट 73 डेज के बाद का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने ये दो कटिंग लगाई थी, ये दोनों की दोनों ही ग्रो हो गई हैं, और बहुत ही हेल्दी तरीके से हमारे ये दोनों प्लांट ग्रो हो रहे हैं। लेकिन अभी हमारा ये पॉट साइज में छोटा है, और ये राइट टाइम है कि हम इसको अब बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंजीर के पौधे में ठीक से ढेर सारे फल आए, तो ये 6 इंच का पॉट बहुत ही छोटा है, तो अब हम इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक ये मिट्टी का पॉट लिया है, और अगर हम इसकी साइज की बात करें तो यह है 12 इंच का पॉट, और इसमें ही अभी हम अपने इस अंजीर के पौधे को लगाएंगे। बहुत छोटे पॉट में अगर आप लगाते हैं तो धीरे धीरे करके आपका ये पौधा खराब हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 12 इंच के पॉट में लगाएंगे, और फर्दर अगर हमको रिक्वायरमेंट होगी तो हम इससे बड़े पॉट में भी इसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन इनिशियली हमने ये 12 इंच का पॉट लिया हुआ है। अगर अब हम यहाँ पर सॉइल की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने सॉइल में बेसिकली तीन चीजें ली हुई हैं, जिसमें से कि मैंने लिया हुआ है 40% अपने गार्डन की मिट्टी, और इसमें मैंने लिया है 40% गोबर की खाद, और 20% सैंड, जिसको कि बालू या रेत कहते हैं। तो अभी हम इसमें ही अपनी इस कटिंग को लगा देंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी सॉइल ओपन कर देंगे, ये करना जरूरी होता है ताकि रूट बाउंडेशन ना हो, कई बार इसकी वजह से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो भी आप देख सकते हैं कि ये हमने इसकी कुछ रूट भी साफ कर ली हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा ये पौधा लगकर रेडी हो गया है। अभी हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे, पार्शियल शेडेड एरिया में रखेंगे अगले 7 से 8 दिन तक, और उसके बाद हम इसको डायरेक्टली सनलाइट में भी प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है फाइनल अपडेट, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे अंजीर के पौधे पे काफ़ी ढेर सारे अंजीर आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने एक रॉड की हेल्प से इसको सपोर्ट दिया है, क्योंकि पौधा काफ़ी हैवी हो गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये अंजीर हमारा पक भी गया है, इसको हम तोड़ लेंगे, और ये देखिए
पूरी तरीके से ये पक गया है और अभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जबकि अभी इस प्लांट में अगर आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे अंजीर अभी और भी आ रहे हैं, लेकिन अभी वो कच्चे हैं, अभी ये तोड़ने लायक नहीं है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करें तो पॉट की साइज थोड़ी सी बड़ी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने एक 12 इंच का मिट्टी का पॉट यूज़ किया है, लेकिन क्योंकि अंजीर का पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, हैवी होता है, उसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 24 इंच का प्लास्टिक का पॉट मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप इसका यूज़ करें। इसमें करेंटली मैंने ये चंपा लगा रखा है, क्योंकि ये भी काफ़ी स्पेस लेता है, इसको भी बड़ा प्लेस चाहिए होता है अगर आप इसको अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, तो इसमें मैंने ऑलरेडी चंपा लगा रखा है। तो बस ये चीज़ मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही हेल्दी और थोड़ा सा और हैवी हो जाए आपका प्लांट और थोड़े से ज़्यादा अंजीर आए, तो ये राइट टाइम है कि आप इस प्लांट को एक 24 से 25 इंच साइज के पॉट में शिफ्ट कर दें। और जैसे ही हमारा ये प्लांट ग्रोथ स्टार्ट करता है, हमको इसको बदल बदल कर फर्टिलाइज़र देते रहना है। एक फर्टिलाइज़र ना दें, लगातार बदल बदल कर फर्टिलाइज़र दें। कभी बोन मील का इस्तेमाल करें, कभी फिश मील का इस्तेमाल करें, कभी सरसों की खली का इस्तेमाल करें। इस तरीके की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र काफ़ी ढेर सारी हमारे घर के आसपास हमको आसानी से मिल जाती हैं और हमको उनका इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है, तो प्लीज़ रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।